कुश्ती से संन्यास ले लिया है, मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भी मेरे पास बहुत काम है। अब मैं अपना काम करूंगा, अपना चुनाव देखूंगा। पहलवानों की भलाई के लिए हुआ है, हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बहन बेटियों की लड़ाई है और उसी के लिए हम लड़ते रहेंगे, ये पहला कदम है। हाँ। तो बस यही है कि अगर जो हम चाहते हैं भाई, महिला प्रेसिडेंट हो, एक अच्छा फेडरेशन हो कि आगे आने वाली बच्चियां सुरक्षित हो। मुहिहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। आनन फानन में पुरानी कमेटी को एक निर्णय लेना पड़ा, अंडर 15 और 20, क्योंकि 31 दिसंबर को इनका यह सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर ये टूर्नामेंट होता है तो उनका एक साल खराब हो जाएगा। इसलिए सारी फेडरेशनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि किसी तरीके से खेल का एक वातावरण शुरू हो, और नंदिनी नगर में इसलिए रखा गया क्योंकि हर फेडरेशन के लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि 4-5 दिन के अंदर हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। उस मीटिंग में एक तरीके से मेरे विदाई का, जैसे परंपरा होती है, कोई अध्यक्ष रहता है और तो उसको एक तरीके से जब वो छोड़ता है अपना कार्यकाल तो एक विदाई समझ लीजिए और 2-4 शब्द बोलना पड़ता है। तो इस नाते मैं भी वहां पर गया था और ये बच्चों का, 15 साल के बच्चों का और 20 साल के बच्चों का साल खराब ना जाए और खेल का वातावरण फिर से शुरू हो, इसलिए नंदिनी नगर में इसे कराने का फैसला आम सहमति से लिया गया। 25 के 25 फेडरेशनों ने अपनी लिखित और मौखिक दोनों सहमति दे रखी है। खैर, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। और मैंने 12 साल तक कुश्ती की के लिए काम किया, अच्छा किया या गलत किया इसका मूल्यांकन समय करेगा। और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं, मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूं। अब जो भी फैसला लेना है, सरकार से बात करना है या कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है, ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भी मेरे पास बहुत काम है। तो अब जो भी कहना होगा, सरकार से बात करनी होगी या कोर्ट में जाना होगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब ये नई फेडरेशन करेगी। सर सवाल पूछूं? एक एक करके एक सवाल एक बार। सर 11 महीने से पूरा खेल बंद हुआ पड़ा था, 31 दिसंबर के बाद अगर ये टूर्नामेंट आप लोग कराते तो एक साल युवाओं की बर्बाद होती, ये आपने कहा है। लेकिन सर सवाल ये उठ रहे हैं कि नंदिनी नगर में कराया और साक्षी ने सबसे पहले ट्वीट करके ये कहा कि वहां पर अभी भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा और खेल मंत्रालय से, विशेषकर खेल मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि हो सके तो इस टूर्नामेंट को करा लें, अपने देखरेख में करा लें, दिल्ली में करा लें, जिससे बच्चों का एक साल बर्बाद ना हो। वही बात है कि पहलवानों की भलाई के लिए हुआ है, हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बहन बेटियों की लड़ाई है और उसी के लिए हम लड़ते रहेंगे, ये पहला कदम है। हाँ। तो बस यही है कि अगर जो हम चाहते हैं भाई, महिला प्रेसिडेंट हो, एक अच्छा फेडरेशन हो कि आगे आने वाली बच्चियां सुरक्षित हो। अच्छा, साक्षी खबर आ रही है कि संजय सिंह
कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जो फैसला उनके निलंबन को लिया गया उसको चुनौती देंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो अभी मैंने कुछ नहीं देखा, आज मैं कहीं गई थी, थोड़ा मुझे काम था कहीं पे, और बाकी आगे की प्रतिक्रिया मैं अपनी टीम से बात करके दूंगी। अभी मेरी बजरंग विनेश से भी बात नहीं हुई है, तो हम पूरी टीम एक बार बैठ के बात करेंगे, देन आपको फिलहाल इस फैसले को कैसे देखती हैं आप? इस फैसले को कैसे देखती हैं आप? देखो वही कह रहे हैं कि बहन बेटियों की लड़ाई थी, रेसलिंग में जो बच्चे बच्चियां लड़कियां हैं उनके लिए लड़ाई थी, तो बस यही कहना चाहूंगी कि पहला कदम है कि कुछ अच्छा हुआ है, और उम्मीद करूंगी कि सरकार जो है और हमारे फेवर में जो है समझे, बहन बेटियों के लिए समझे कि हम किस चीज के लिए लड़ाई वो अभी पूरी प्रतिक्रिया जो भी आगे निर्णय होगा, जो भी फेडरेशन बनेगी जैसे भी होगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद।